हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रितीश स्टडी हब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि कैसे डिटेल व्यू कंट्रोल को यूज़ करना है हमने ASP.NET के अंदर। तो डिटेल व्यू का पर्पस क्या है, क्या होता है डिटेल व्यू, तो ये सारी बातें आज हम सीखेंगे इस वीडियो के ट्यूटोरियल में। तो ये मेरे पास फ्रेंड्स ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो इसमें मैं पहले आपको वर्किंग इसकी समझा दूंगा सारी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ये वाला प्रोजेक्ट खुद क्रिएट करना है, और इसकी वर्किंग से आपको आपको पता चल जाएगा कि डिटेल व्यू कंट्रोल असल में होता क्या है और किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो मेरे इस प्रोजेक्ट की हेडिंग से ही आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए, रिट्रीव करने के लिए डेटा, डेटा को एडिट करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, या डेटा की पेजिंग करने के लिए हम डिटेल व्यू को यूज़ करते हैं ASP.NET के अंदर। ये डिटेल व्यू का एक एक मेन ग्रिड व्यू और डिटेल व्यू में एक डिफरेंस ये है कि डिटेल व्यू ओनली वन रिकॉर्ड एट ए टाइम आपके सामने डिस्प्ले करता है। तो जैसे मेरे पास ये स्टूडेंट की डिटेल है, तो ये उसका रोल नंबर है, ये नेम है, फादर नेम है, सिटी है, तो ये एक ही जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो शो हो रहा है। अगर मैंने नेक्स्ट रिकॉर्ड देखना है तो मैं इसकी पेजिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, नंबर टू के ऊपर। अगर मैं तीसरा रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ तो थर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा, अगर चौथा चौथे के ऊपर, ऐसे वन बाय वन मैं सारे रिकॉर्ड जो है वो नेविगेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं एक नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूँ, जैसे इसमें लास्ट वाला जो रिकॉर्ड है वो है 8 नंबर 188 हरदेव हरजिंदर जलंधर, इसमें मैं अब नया रिकॉर्ड एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट का रोल नंबर 1 मोनीश विश, और यहाँ फादर नेम लिख देते हैं विशाल, और सिटी लिख देते हैं दिल्ली। तो इसको जैसे ही मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। तो अब देखिए, 8 नंबर तक रो थी पहले, अब 9th रो भी आ गई है। तो ये देखिए, जो डेटा अभी मैंने एंटर किया वो आ चुका है 201 के नाम से, रोल नंबर से। अब अगर मैं कोई रो को डिलीट करना चाहता हूँ, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने 7 नंबर है रिकॉर्ड 120, इसको मैंने डिलीट करना है, तो मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा डिलीट। तो देखिए, अब 7 नंबर जो है वो डिलीट हो चुका है। तो ऐसे ही अगर मैं किसी रिकॉर्ड को एडिट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं इंडिविजुअली एडिट कर सकता हूँ। एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखिए रिकॉर्ड 105 आ चुका है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा अमृतसर और इसको अपडेट कर दूँगा। तो ये देखिए, जो रिकॉर्ड है मेरा अपडेट हो चुका है। तो इन सारे ऑपरेशन को मैं परफॉर्म कर सकता हूँ ASP.NET के अंदर विद द हेल्प ऑफ डिटेल व्यू कंट्रोल। तो ऑपरेशन कौन कौन से हैं फिर से एक बार देख लीजिए। डेटा को रिट्रीव करना वन बाय वन, वन रिकॉर्ड एट ए टाइम, एडिट करना, डिलीट करना, और पेजिंग प्रोवाइड करनी अपने पेज के अंदर। तो आइए चलते हैं, अब इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे हमने ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप किया है। तो इसके डिटेल व्यू कंट्रोल के अंदर जो हमारा सोल्यूशन है उसमें एक नया वेब फॉर्म ऐड करते हैं। तो ये मेरा वेब फॉर्म है नया, तो इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं डिफ़ॉल्ट नेम भी रहने देता हूँ। तो ये देखिए, मेरा जो नया वेब फॉर्म है वो प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुका है। तो आइए इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इसकी जो डेवलपमेंट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको थ्रेटिकली इसके बारे में बता दूं कि डिटेल व्यू जो है वो डेटा बाउंड कंट्रोल है, सिंगल रिकॉर्ड एट ए टाइम रिट्रीव कर सकता है डेटा सोर्स से। पेजिंग फैसिलिटी को हम नेविगेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसके थ्रू हमने एडिट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट मोड वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, अलाउ पेजिंग वो क्या होता है, हेडर टेक्स्ट क्या होता है, फुटर टेक्स्ट क्या होता है, ये स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है। तो इस थेरेटी थ्योरी को आप यहाँ वीडियो को पॉज करके कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं।
तो आइए चलते हैं, अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले टूल बॉक्स में से एक लेबल को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ लेबल के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये वेब फॉर्म के ऊपर आ जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करते हैं लेबल को, और इसकी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो उसमें लिखते हैं, तो मैं जस्ट अपने चैनल की प्रमोशन के लिए लिख रहा हूँ हरीति स्टडी हब। आप अपनी अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिट इंसा तो सबसे पहले मैं आज जो हमने कंट्रोल सीखना है उसको इंसर्ट करूँगा। तो मेरे पास जो कंट्रोल है वो है, आज का कंट्रोल जो है वो है डिटेल व्यू। तो डिटेल्स व्यू के ऊपर करते हैं डबल क्लिक। तो इसको कॉन्फ़िगर बाद में करेंगे, सबसे पहले इसकी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए एसक्यूएल डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एसक्यूएल डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको मैं बता दूँ कि कैसा मैं जो डेटाबेस है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, जो डेटाबेस के लिए मैं सीक्वल सर्वर 2005 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे सर्वर का नेम है विकास पीसी। तो इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए मेरी जो कनेक्टिविटी है सर्वर के साथ हो चुकी है। तो मैं डेटाबेस के रिगार्डिंग जितने भी टास्क परफॉर्म करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करता हूँ। इसमें डेटाबेस के रिगार्डिंग जो टास्क हैं वो हैंडल करनी काफ़ी ईजी होती हैं। तो आइए चलते हैं डेटाबेस के अंदर, देखते हैं अब मैं कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने जो डेटाबेस यूज़ किया है वो है स्टूडेंट डेटा। तो स्टूडेंट डेटा के अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है वो भी आपको दिखा देता हूँ, उसका नाम है स्टूडेंट इन्फो। तो इसका एक बार डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, तो इसका डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ कि कैसा डिज़ाइन मैंने जो है टेबल का यूज़ किया है। तो इसमें मैंने जो है चार कॉलम्स यूज़ किए हैं, और पहला है रोल नंबर, नेम, फादर नेम, सिटी। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ कौन सा डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टेबल के अंदर, जो मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। तो ये वो सारा डेटा है जो मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। तो इसको आप भी ऐसा डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर लेना। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके ऊपर न्यू कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने सर्वर का नेम लिखूँगा विकास पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस। तो यहाँ से मैं डेटाबेस सिलेक्ट करूँगा। तो इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कनेक्शन को। बिल्कुल सही है कनेक्शन, ओके ओके। इसको अब नेक्स्ट कर देते हैं। तो दोबारा से नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखिए सूरन जो मेरा टेबल है वो नेम के अंदर आ चुका है। तो इसकी जो एडवांस प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे हम इसको इनेबल कर देंगे, क्योंकि हमने डेटा को इंसर्ट भी करना है, अपडेट भी करना है और डिलीट भी करना है। ओके कर देंगे, नेक्स्ट, और उसके बाद में फिनिश। तो
तो आइए चलते हैं। जो हमारा SQL डेटा सोर्स है वो तो कॉन्फ़िगर हो चुका है। अपने ग्रिड्स व्यू को जो है वो उसको एक बार कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट मैं सिलेक्ट करूँगा, तो काफ़ी सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो इसमें से डेटा सोर्स है जो मैं SQL डेटा सोर्स 1 कर लेता हूँ। तो यहाँ ये देखिए चारों ऑप्शंस आ रही हैं, इनको मैं अनेबल कर दूँगा। तो सबसे पहले एडिट फील्ड में जाऊंगा और इसके जो हेडिंग्स हैं ये मैं चेंज करूंगा हर एक कॉलम के। सबसे पहले रोल नंबर को सेलेक्ट किया और उसका हेडर टेक्स्ट जो है मैं कर देता हूँ रोल नंबर। उसके बाद में एस नेम को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम। और उसके बाद में एफ नेम को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फादर नेम। और उसके बाद में सिटी, तो यहाँ मैं लिखूंगा सिटी। ओके, तो इसको थोड़ा सा इसका साइज जो है ड्रैग करके इंक्रीज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी है हेडर टेक्स्ट, तो उसको चेंज कर लेते हैं। तो हेडर टेक्स्ट में मैं लिखूंगा स्टूडेंट डिटेल्स, एंटर। और उसके बाद में हेडर स्टाइल में गए, हेडर स्टाइल में जो इसका हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है उसको कर देना है सेंटर। तो ये देखिए हेडर टेक्स्ट जो है मेरा वो सेट हो चुका है। तो काफ़ी हद तक जो प्रॉपरली मेरा जो है डिटेल्स व्यू है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब चलिए फ्रेंड्स, अब इसको रन करके देखते हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है। तो आइए इसकी जो पेजिंग है नेविगेशन है वो चेक करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, तो एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेते हैं। इसको अब इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए जो मेरा 9th वाला रिकॉर्ड है वो सेव हो चुका है। तो आइए अब किसी रो को डिलीट करके देख लेते हैं। पहले नंबर वाली रो है 105, तो इसको डिलीट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए जो 1 नंबर वाली है अब 109 हो चुकी है, क्योंकि 105 जो है डिलीट हो गई है। तो आइए इसको एडिट करके देख लेते हैं एक बार। दिल्ली की जगह मैं मुंबई कर देता हूँ और इसको अपडेट करके देखता हूँ। तो ये देखिए जो मेरा डेटा है वो अपडेट भी हो चुका है। तो इस तरह आप डिटेल्स व्यू को यूज़ करके डेटा को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं, बट वन रिकॉर्ड एट ए टाइम। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो मेरा जो यूट्यूब के ऊपर चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सब्सक्रिप्शन से जो मेरी वीडियोस हैं वो डे बाय डे आपके पास पहुंचती रहेंगी और ऐसे ही आप ASP.NET को आसानी के साथ सीखते रहेंगे अपनी हिंदी लैंग्वेज के अंदर।